मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ रेडमी नोट 7 के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा ये कितने रुपए का मिलने वाला है, कब लॉन्च हुआ है। मैं आज आपको रेडमी नोट 7 के बारे में बताऊंगा जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया में। मैं उसके सारे फीचर्स, सारे उसके वेरिएंट्स और जो भी चीज़ें हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। Xiaomi ने कल ही लॉन्च किया है ये फ़ोन को, तो ये काफ़ी बेहतरीन फ़ोन होने वाला है Xiaomi का Redmi Note 7। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसकी डिज़ाइन के बारे में बात कर लें तो ये दिखने में कुछ इस टाइप का फ़ोन रहेगा। ये देखिए इसका कितना वाटर ड्रॉप नॉइज दिया हुआ है फ़ोन के अंदर। और हमको इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा एंड्रॉयड वर्जन 9.0 Pie, जो कि अभी का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे हम इसके सिम स्लॉट की बात करते हैं तो सिम हमें मिल जाएगी डुअल सिम GSM प्लस GSM, डुअल वॉल्टी दोनों मिल जाएगा हमें, दोनों सिम्स में हमें वॉल्टी सर्विस मिल जाएगी। हम बात कर रहे थे यहाँ पर Redmi Note 7 के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो मैं आपको इसके सारे बारे में सब कुछ बता रहा था। जैसे कि मैं आप यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात कर रहा था तो हमें यहाँ पे इसका डिस्प्ले मिल जाता है 6.3 inches का। ये फ़ोन हमें 3 variants में अवेलेबल होगा। यहाँ पे इसका पहला वेरिएंट होगा 3 GB RAM और 32 GB इंटरनल मेमोरी, यहीं इसका दूसरा वेरिएंट होगा 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल मेमोरी, और इसका तीसरा 6 GB RAM और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ हमको ये तीसरा वेरिएंट मिल जाएगा। हम यहाँ पर Redmi Note 7 के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ उसका स्क्रीन साइज को 6.3 inches का फुल HD डिस्प्ले होगा। उसी के साथ हमको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये काफ़ी बेहतरीन, मतलब ये बोला जाएगा कि काफ़ी अच्छा इसमें हमको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो कि गिरने विरने पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे और फ़ोन टूटेगा फूटेगा भी नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है हमें। वहीं हम यहाँ पे इसे आस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे 19.5:9 का आस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा हमें इसमें। वहीं हम इस फ़ोन के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो हमें मिल जाता है 159.21 × 75.21 × 8.1 mm का इसका डायमेंशन है पूरे फ़ोन का। नोट 7 के वेट के बारे में बात कर लेते हैं तो वेट हमें मिल जाएगा इसमें 186 grams का। वहीं पर हम अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो हमें स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर 2.2 GHz का प्रोसेसर मिल जाएगा। आप लोगों को ये फ़ोन हमें 3 variant का मिल रहा है, 3 GB RAM, 4 GB RAM और 6 GB RAM में। वहीं इसकी रोम होगी 32 GB 64 GB। और एक अच्छी बात ये भी है इसके अंदर कि आप इसमें माइक्रो SD स्लॉट भी दिया हुआ है इस फ़ोन के अंदर। वहीं अगर हम इस फ़ोन के बारे में कैमरे के बारे में बात करते हैं तो कैमरे में हमको मिल जाएगा 48 MP का रेयर कैमरा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कैमरा है। 48 MP का कैमरा हमें इसमें मिल रहा है, रेयर कैमरा। वहीं हम अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो हमें इसमें 13 MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कैमरा है। AI पोर्ट्रेट भी है इसके अंदर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्ट्रेट भी दिया हुआ है। एंड्रॉइड वर्जन के बारे में बात करते हैं तो इसमें 9.0 वर्जन दिया हुआ है, जो कि पाई वर्जन है विद MIUI 10 के साथ मिल रहा है हमें। 4G LTE मिल रहा है इसमें, फिंगरप्रिंट हमको मिल जाएगा, फेस अनलॉक मिल जाएगा, USB टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है इसके अंदर। इस फोन के अंदर एक और अच्छी बात ये भी है कि इसमें हमें सी पोर्ट का पोर्ट मिल रहा है इसमें, जो कि बहुत बढ़िया है। हाँ, पर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी हमें इसमें वही 4000 mAh की इसकी बैटरी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बैटरी है इसकी। बैटरी के मामले में तो बहुत बेहतरीन फ़ोन है ये। वहीं अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो कलर में हमें ब्लैक, ब्लू एंड पर्पल मिल जाएगा, 3 कलर में अवेलेबल है ये फ़ोन अभी। तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है ये Redmi Note 7। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा अभी मैंने आपको इसके फ़ोन के बारे में बताया, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा वो लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।